हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर क्लास। आज हम बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। लास्ट लेक्चर के एंड में हमने पढ़ा था कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने हमें सेल न्यूक्लियस की डिस्कवरी करके दी थी, और इस पीरियड तक, मतलब कि 1665 टू 1831 तक, हमारे पास आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन जमा हो गई थी। अब साइटोलॉजी का जो पोर्शन है उसको एक्सेलरेट करने का टाइम आ गया था, उसको प्रवेगित करने का टाइम आ गया था, जिसको प्रवेग दिया किसने? सेल थ्योरी ने। सो सेल थ्योरी जस्ट आफ्टर 7 ईयर, सेल न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई उसके ठीक 7 साल बाद इंट्रोड्यूस करा गया था, जो करा था मैथ्यू शीडन और थियोडोर स्वान ने। ठीक है, सो ये दो साइंटिस्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में कुछ फैक्ट दिए हैं इनके बारे में जो आपको समझना ज़रूरी है, और उसके ऊपर हम आज चर्चा भी करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। राइट, सो मैथ्यू शीडन, वो इज द मैथ्यू शीडन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मैथ्यू शीडन इज जर्मन बॉटनिस्ट। मैथ्यू शीडन वॉज जर्मन बॉटनिस्ट। मैथ्यू शीडन जर्मन बॉटनिस्ट थे। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने 1838 के अंदर बहुत सारी प्लांट पे स्टडी की, बहुत सारी प्लांट पे स्टडी की, और उन्होंने एक कंक्लूजन दिया, उन्होंने एक निष्कर्ष दिया। और उनका निष्कर्ष क्या था? उनका निष्कर्ष था कि हर एक प्लांट, एवरी प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल, हर एक प्लांट सेल की बनी है, ऐसा निष्कर्ष उन्होंने दिया इन 1838। फिर जस्ट 1 ईयर आफ्टर, ओके, 1838 के बाद, एक साल बाद, 1839 में थियोडोर स्वान की, जो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, उन्होंने इनकी स्टडी को, मैथ्यू शीडन की स्टडीज को देखा, उनके कंक्लूजन्स को, उनके निष्कर्ष को देखा, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एनिमल सेल के ऊपर भी स्टडी किया। और उन्होंने एनिमल्स के ऊपर स्टडी करके ये देखा कि भैया, जैसे प्लांट सेल के बने हैं, वैसे ही एनिमल्स भी, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, वैसे ही सब एनिमल्स भी सेल के बने हैं। बट यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि थियोडोर स्वान ने अब यहां पे एक डिफरेंस देखा। वो डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था कि जो प्लांट सेल्स थी, उन प्लांट सेल्स के ऊपर बाहर एक नॉन लिविंग सेल्यूलोज मटेरियल की वॉल प्रेजेंट थी, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, जबकि ये सेल वॉल यहां पे एब्सेंट थी। देयर वाज ऑफ सेल वॉल इन व्हाट, इन द एनिमल सेल। Okay, so in animal cell, what we find that there is the absence of cell wall. And एक और दूसरी चीज कि जो layer plant cell की cell wall के बाद plant cell में present है, वैसा ही same layer animal cell के अंदर outermost layer है, जिसको इन्होंने नाम दिया cell membrane। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट MCQ that who discover cell membrane? So your answer is Theodor Swan. Is it clear? So up to this, we are getting conclusion that all the living organism, सभी के सभी जो जीवित प्राणी है यहाँ पे, जो जीवित संरचनाएं है, वो किससे बनी है? वो कोशिकाओं से बनी है, राइट? उसका ढांचा किससे बनता है? कोशिकाओं से बनता है। फिर उन्होंने ये भी देखा, अगर इनकी जो संरचना है, इनका जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में से आप कोई चीज निकाल दोगे, फिर भी सेल जीवित नहीं रह पाएंगे। तो उस वजह से इन्होंने क्या दी, एक और सेंटेंस, एक पर्टिकुलर मैनेज सेंटेंस दिया कि सभी के सभी ऑर्गेनिज्म, ओके, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल। द वर्ड इंपॉर्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेल। व्हाई द प्रोडक्ट ऑफ सेल? इफ अगर यहाँ पे आपका सेल जो है, उसके अंदर से उसकी कोई भी संरचना यहाँ पे गायब है या फिर लापता है, तो फिर आपका सेल जीवित नहीं रह पाएगा। क्लियर? राइट, सो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल का बना है, एज वेल एज सेल प्रोडक्ट का बना है। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो सेल प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो सेल है वो कुछ इस तरह से होते हैं,
ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ इस तरह से सेल प्रेजेंट होते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे दो स्पेसेस बनती है, एक तो वो स्पेस कि जो सेल के अंदर है राइट, और उसके अंदर जो फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं ICF, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और एक वो स्पेस बनती है कि जो दो सेल के बीच में है उसको बोलेंगे हम इंटर सेल्यूलर स्पेस, बट इन द मेडिकल टर्म यू कैन से इट्स अ इंटरस्टिशियल स्पेस, और उसके अंदर भरा होता है यहाँ पे ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। सो वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है वो हमारा होम्योस्टेटिक मटेरियल है। होम्योस्टेसिस क्या होता है वो हम किडनी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए याद रख लो होम्योस्टेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इट इज अवर इंटरनल एनवायरनमेंट। अगर ECF नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो ये ECF किससे बना? ये ECF बनने के लिए भी सेल जरूरी था, क्लियर। तो ECF इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेल, सो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर आपके ECF में थोड़ा सा भी सोडियम पोटेशियम लेवल गड़बड़ होगा सो दैट विल बी द लाइफ थ्रेटनिंग राइट, वो जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो उस वजह से आप बोल सकते हो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप बाय सेल एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ सेल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, सो लेट्स मूव अहेड राइट। So up to this, what we understand that all the organism are made up of cell. But my question is that up to this, यहाँ तक हमने ये समझा, but हम ये चीज नहीं समझ पाए हैं, वो उस चीज को नहीं समझ पाए हैं कि नए सेल की जो उत्पत्ति होती है, नया सेल जो बनता है, वो बनता कैसे है? काफी सारे साइंटिस्ट आए और उन साइंटिस्ट ने हमें बताया, कुछ ने बताया कि सेल जो है वो डायरेक्टली डेवलप हो जाते हैं इन 16th century, बट आफ्टरवर्ड इन 1855 इसका भी सॉल्यूशन हमें मिल गया, ठीक है। जैसे थियोडोर स्वान और मैथिस शीडन ने तो बताया नहीं था इसको, ठीक है। फिर 1855 के अंदर साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। सो रुडोल्फ विर्चो is the scientist who gives an idea that how, or you can say कैसे cell बनता है, और you can say कैसे नया cell बनता है पुराने वाले में से, clear right? So अब यहाँ पे हमें इसका भी आंसर मिल गया, और रुडोल्फ विर्चो ने इस सेंटेंस को किस तरह से बताया, उन्होंने एक ग्रीक वर्ड हमें दिया जिसका नाम था omni cellula, okay, that is the omni cellula is cellula. Now what is the meaning? The omni is stand for what? It is the omniverse. You might say you heard the omniverse. So omniverse ka meaning kya hota hai? Brahmand ke andar jitne bhi cell hai, cellula e cellula ka matlab hota hai jitne bhi cell hai wo apne pre-existing cell se, matlab apne purva astitva wale cells jo the unse aaye hai, ठीक है। उनकी जो बनावट है वो अपने पूर्व अस्तित्व वाले, अपने पूर्वजों से बने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे रुडोल्फ विर्चो ने हमारी सेल थ्योरी को कंप्लीट किया, क्योंकि जो मैथिस शीडन और थियोडोर स्वान ने काम करा था उसके अंदर उन्होंने बोला दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, बट दैट सेल थियोरी वॉज इनकम्प्लीट राइट। वाई? बिकॉज ये आपको ये नहीं समझा सकती कि नया सेल कैसे आता है। इन्होंने बताया हमें कि सेल डिवाइड होता है, सेल डिवीजन करता है, और जो पुराने वाला सेल था वो ही आगे जाके एक नए डॉटर सेल के अंदर कंटिन्यू होगा, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने दिया ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूली, एंड दिस ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूली इज द क्वेश्चन ऑफ 2018 नीट, okay, so that is also very 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 important right. So let's understand next right. So Rudolf Virchow gave us sentence omnicellula e cellulae in 1855. Some book says it's 1858. Why? उन्होंने discovery का इस चीज को बताया था 1855 के अंदर, but afterward इसको publish करने में, उसको credit देने में 3 साल लग गए थे, तो कुछ books के अंदर इसको 1858 भी लिखा है, ठीक है। चलो, सो इससे हमारी फॉर्म हो गई मॉडर्न सेल थ्योरी। सबसे पहले जो 1839 के अंदर मैथिस शीडन और थियोडोर स्वान ने जो डिस्कवरीज की थी, या फिर यू कैन से एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके अनुसार हमारे पास जो सेल थियोरी थी वो ओल्ड सेल थियोरी थी। अब रुडोल्फ विर्चो के इंटरफेरेंस से या फिर अपीयरेंस से हमारे पास आ गई है मॉडर्न सेल थियोरी। और मॉडर्न सेल थियोरी किस तरह से है, मॉडर्न सेल थियोरी के बारे में हम देखें तो मॉडर्न सेल थियोरी सेज दैट द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल
and the product of cell. That is very important. This one is the most important thing. And another one is that the cell, all the cells arise from pre-existing cell. So this were given by the Matthew Sheldon and Theodor Schwann when this were given by the Rudolf Virchow. Okay, so cell theory is proportionate by this trio. So this is all regarding the cell theory. Now let's understand some questions. So the first question is, cell theory was formulated by whom? You can pause the screen and look for the option. The option A, Sladen and Swan, B, Robert Hooke, option number C, Leeuwenhoek, option D, Marcello Malpighi. So the right answer is option A, Sheldon and Swan. Matthew Sheldon and Theodor Swan who introduce and form first cell theory. Right, Robert Hooke discovered the cell, Leeuwenhoek discovered the first living cell. Marcello Malpighi do a very nice work in the understanding, or you can say to understand, or you can say to explain the excretory system. Now let's see the next question. Match the column 1 and column 2 and select the correct codes given below. Okay, so these are your codes. Okay, so please pause the screen and think about. Chalo, so ab dekhte hain yahan par. So the Leeuwenhoek, okay, what Leeuwenhoek do? Leeuwenhoek do the he shows the first living cell. Ab yahan pe ek cheez samjho. अब जब ऐसे कोड वाले या फिर आप जब ऐसे कॉलम वाले एमसीक्यूज करते हो ना, सो दिस आर द मॉन्स्टर क्वेश्चन. व्हाई? पहली चीज कि ये इसलिए मॉन्स्टर नहीं है कि ये डिफिकल्ट होते, एक्चुअली दिस आर द इजीएस्ट वन. बट हम क्या करते हैं, हम एक हर एक ऑप्शन को देखते हैं. यहाँ पर ऐसा मत करो, आपको स्मार्ट वर्क करना है, यहाँ पे देखना है. चलो, सो ए के साथ आएगा 1, सो ये ऑप्शन तो गया. आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज है. अब बी को देखो, 2 में 3 दिया तो सबसे पहला ऑप्शन वही देखो ना, सब क्यों रीड करोगे. रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस, ऑब्वियसली यस, सो ये भी गया. देन शीडन, शीडन ने क्या किया था, शीडन ने देखा था कि भाई ऑल सेल्स, ओके सॉरी, द ऑल प्लांट्स कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, राइट. एंड स्वान सेज दैट the presence of cell wall is the unique for the plant cell, and the answer is A, right. So let's look on the next question. So the next question is what? Blank are an exception of a cell theory. That is very 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 important. I will make some one explained video about this also, right. And the answer is actually virus. Why? Because bacteria are a unicellular prokaryotic one. The fungi are multicellular as well as unicellular organism. The lichens are nothing but you can say lichens are basically the group of fungi and the algae. But what about the virus? ये तीनों के अंदर similarities देखो. इन तीनों की similarity ये है कि ये सब cell से बनी है, जबकि जो virus है वो non-cellular structure है. Virus is kind of non-cellular structure which is made up by protein. Which is made up by protein plus genetic material. Okay, it is made up by protein plus genetic material, like coronavirus, which is made up by the protein, spike protein plus the internal genetic material, which is the RNA in the case of corona, right. So your answer should be C. Why? Because there is no cell. Now the question is how they live. Agar cell nahi hai to wo zinda kaise hai? उसका आंसर सही है, सिंपल है कि उसके लिए आपको सीखने पड़ेगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. जब आप आरटीपीसीआर टेस्ट कराते हो ना, तब वहां पे आरटी का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, जो टेस्ट करके वो देखते हैं कि भैया ये वायरस रेप्लिकेट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं. एक्चुअली वायरस को रेप्लिकेट होने के लिए सेल की जरूरत है, हमारी जरूरत है. आउटसाइड अवर बॉडी, अगर हमारी बॉडी के बाहर देखें तो कोरोना वायरस एक नॉन लिविंग सब्सटेंस ही है, प्रोटीन और आरएनए से बना हुआ, ठीक है. जब वो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, जब हमारा सेल का सपोर्ट मिलेगा, तब जाके ही वो एक जीवित की तरह अपने आप को प्रदर्शित कर पाएगा. चलो सो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओमनी सेल्यूलर इज सेल्यूली इज इक्वल टू न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. This statement was given by a very easy question. I think you don't have any kind of difficulty. Please pause the screen and give the answer.
right? If you give the answer Rudolf Virchow, then you are absolutely right. So guys, ये थी बात cell theory के बारे में. आज के लिए इतना ही. If you like our initiative, please don't forget to like, share and subscribe. Jai Hind.